मैं हूँ शेफ अनीश और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज है नारळी पूर्णिमा। नारळी पूर्णिमा के दिन महाराष्ट्र के मछुआरे समुन्दर को नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं और उनका मच्छीमारी का व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये दिन में ट्रेडिशनली सालों से नारळी भात बनाया जाता है, तो देखते हैं ये वीडियो में कैसे बनाते हैं महाराष्ट्रियन स्पेशल नारळी भात। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले चावल बनाते हैं। चावल बनाने के लिए पैन में लेंगे घी, जैसे ही घी मेल्ट होता है हम लोग उसमें डालेंगे हरी वाली इलायची और लवंग और दालचीनी। ये तीनों मसाले को थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। तब तक साइड में एक बर्तन में हम लोग लेंगे कोकोनट मिल्क यानी कि नारियल का दूध और उसमें उतना ही पानी लेंगे। तो एक कप आप दूध ले रहे हैं तो एक कप नॉर्मल पानी लेंगे और ये दोनों को मिक्स करेंगे और उसको बॉईल लाएंगे। अब हम लोग पैन में डालेंगे राइस। मैंने ये बासमती चावल 10 मिनट के लिए सोक किया था। अब ये चावल हम लोग डालेंगे पैन में और पैन की आंच धीमी होनी चाहिए और ये चावल को करीबन 102 मिनट तक सौते करेंगे। जैसे 1-2 मिनट हो जाते हैं फिर हम लोग ये जो दूध और पानी का मिश्रण है जो गर्म हुआ है उसको हम लोग पैन में डाल देंगे। ये गया कोकोनट मिल्क और पानी का मिश्रण। दोस्तों, एक चीज़ को ज़रूर देखिए कि ये पैन की आंच जो है वो धीमी होनी चाहिए। अब एक आधे मिनट तक इसको अच्छे से उबाल लाएंगे लो आंच पे, बीच बीच में चलाते रहिए उसको। और फिर ये पैन को ढक के 4-5 मिनट तक उसको कुक करेंगे। दोस्तों, बीच बीच में चलाते रहना मत भूलिएगा। ये देखो दोस्तों, राइस ऑलमोस्ट 70-80% कुक हुआ है लेकिन ये राइस पूरा कुक हुआ नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, मैंने साइड में एक थिक तवा गरम किया था। अभी ये थिक तवे को हम लोग रखेंगे और आंच लो रखेंगे गैस की और ये जो हमारा पैन है उसको इसके ऊपर रखेंगे और 4-5 मिनट तक उसको एकदम स्लो कुक करेंगे। ये बन गया हमारा राइस, ऑलमोस्ट रेडी है। उसमें डालेंगे थोड़े से केसर के स्ट्रैंड्स यानी कि सैफरन स्ट्रैंड्स और फिर हम लोग एक बर्तन में, आप कोई भी फ्लैट बर्तन ले सकते हैं, उसमें ये राइस को फैलाएंगे। अच्छे से डेलिकेटली करना है नहीं तो राइस के जो ग्रेन्स है वो टूटेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं राइस कितना बढ़िया बन गया है और खुला खुला भी है काफ़ी अच्छा। अब हम लोग इसमें डालेंगे गुड़ जो ऑलरेडी ग्रेट किया हुआ है। ये ग्रेट किया हुआ गुड़ डालेंगे अभी यानी कि जैकरी और फिर डालेंगे ग्रेटेड कोकोनट यानी कि नारियल जो ग्रेट किया हुआ है। गुड़ और नारियल को हल्का सा मिक्स करेंगे राइस के साथ और फिर से पैन को गरम करेंगे और पैन में डालेंगे घी। घी को अच्छे से फैलाएंगे और फिर राइस को पैन में फिर से ट्रांसफर करेंगे। अब बारी आती है उसमें ड्राई फ्रूट्स डालने की। हम लोग उसमें डालेंगे आलमंड्स, कैश्यू, रेजिन्स, फिर डालेंगे थोड़ा सा सैफरन और हल्का सा घी डालेंगे। घी को अच्छे से स्प्रेड कीजिए सब साइड में। अब ये राइस को ढक देंगे और 4-5 मिनट तक उसको पकाएंगे लो आंच पे जब तक गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता है। बीच बीच में चलाते रहना मत भूलिएगा दोस्तों, मिक्स करते रहिए। उसके बाद तवे को गर्म करेंगे लो आंच पे और ये पैन को फिर से तवे पे रखेंगे और 4-5 मिनट तक उसको कुक होने देंगे। ध्यान में रखिए दोस्तों, लो आंच पे ही इसको रखना है तवे को।
उसके बाद दोस्तों ये बन गया हमारा नारियल भात, नारियल भात या कोकोनट राइस, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है घी, सैफरन, कोकोनट का जब भी मिक्स होता है वो, और एक बार फाइनल उसको मिक्स कीजिए, डेलिकेटली मिक्स कीजिए दोस्तों, नहीं तो राइस के ग्रेन्स टूटेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, आप जैसे चाहिए वैसे उसको आप सर्व कर सकते हैं। हम लोग इसको बाउल में डाल के बाद में डिमोल्ड करेंगे। ये देखिए दोस्तों बन गया नारियल भात, बहुत आसान और बहुत जल्दी बन जाता है। गार्निश के लिए आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और सैफरन के साथ उसको गार्निश कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ट्रेडिशनल ऐसी रेसिपी है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।